डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज नेत्र रोग जो है हमारे आयुर्वेद के महर्षि को 17 प्रकार माने हैं और उसी में से जिस रोग में नेत्र से बार बार आँख से अधिक स्राव हो रहा है या आँख लाल हो गया है, आँख का भारीपन हो गया है, उसे अभिसंयंद रोग कहते हैं, अभिसंयंद रोग कहते हैं। इसी का आपको लक्षण बतला रहे हैं, आँख का लाल हो जाना, आँख का भारीपन आना, आँख में पीड़ा होना, आँख से बार बार स्राव होना। और रोगी जो है प्रकाश में जब रहता है तो वह आँख बंद हो जाना या अपने आप को उसको दिखाई लगता है, देखने में दिक्कत हो रहा है, आँख का पलक बार बार बंद हो जाता है। और जब वह अंधकार में रहता है तो बहुत अच्छा आराम मिलता है, यानी अपने आप को रिलीफ महसूस करता है। इसमें सिर में भी दर्द हो जाता है। इस तरह के बहुत से लक्षण मिलते हैं, जैसे लगता है कि आँख में बालू पड़ गया है, उस तरह का चुंबन होता है या किरकिराहट होता है। और रोगी जो है बार बार आँख को मलता है और इस तरह का जो लक्षण मिलते हैं उसको अभिसंयंद रोग कहते हैं, यानी आँख का लाल होना, आँख से स्राव होना, आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना आदि, ये सब लक्षण मुख्य रूप से उभर कर आते हैं। मैं इसी का एक औषधि बतला रहा हूँ और औषधि को मेरा आप ध्यान से सुने। सप्तामृत लौ 500 मिलीग्राम ले लीजिए, परवाल भस्म जो है 250 मिलीग्राम ले लीजिए और महात्रिफला घृत 10 ग्राम लेकर तीनों को फेंट कर एक मात्रा आपको हुआ और उसको प्रातः काल आ जाइए। इसी तरह संध्या को सप्तामृत लौ 500 मिलीग्राम, परवाल भस्म 250 मिलीग्राम और महात्रिफला घृत 10 ग्राम, तीनों को एक में मिलाकर संध्या को खा जाइए। दूसरा औषधि है चंद्रोदय बत्ती, उसको जो है गुलाब के जल में पीसकर नेत्र पर उसको बार बार लगाइए और एक दो रोज में आपका आँख का लाली या आँख का आना या आँख से स्राव होना या आँख का भारीपन आना या आँख से कीची यानी गंदगी जो निकल रहा है वह जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।